नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रिसाइकल बीन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिसाइकल बीन क्या होता है, यह हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहाँ पर होता है, हमें अपने फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरह से डिलीट करना होता है और डिलीट की गई फाइल्स को हम फिर से किस तरह से रिस्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम रिसाइकल बीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ को भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिसाइकल बीन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है रिसाइकल बीन, इन कंप्यूटिंग रिसाइकल बीन इज अ टेम्प्रेरी स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स डेट हैव बीन डिलीटेड बाय द यूजर। हम और आप कंप्यूटर के यूजर्स हैं और हम कभी कभी बाय मिस्टेक कुछ फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर देते हैं या फिर हमें ऐसी आवश्यकता होती है कि कुछ फाइल्स और फोल्डर्स अब हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं, अब वो अनुपयोगी हो चुके हैं, तो उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। और जब भी हम अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर्स, सॉन्ग्स डिलीट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रिसाइकल बीन में चला जाता है। इट मींस रिसाइकल बीन एक प्रकार का स्टोरेज एरिया है, एक जगह है जहां पर कंप्यूटर में से डिलीट की गई सभी फाइल्स और फोल्डर्स टेम्परेरीली अस्थायी रूप से स्टोर होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमारे घरों में डस्टबिन होता है उसी तरह से कंप्यूटर में रिसाइकल बीन होता है। लेकिन घर का डस्टबिन और कंप्यूटर का रिसाइकल बीन दोनों में बेसिकली बहुत फर्क है। हमारा घर का जो डस्टबिन होता है उसमें हम एक बार जो भी डस्ट कचरा उसमें डालते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं, और यदि उसमें कोई इम्पोर्टेंट आइटम हमारा चला गया तो हम उसे वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर में जो रिसाइकल बीन है उसका फ़ायदा ही यही है कि उसमें हमने गलती से यदि कोई फाइल डिलीट करके भेज दी है तो हम उसे वापस से रिसाइकल कर सकते हैं, वापस से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इस टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया का नाम रिसाइकल बीन दिया गया है, डस्टबिन नहीं दिया गया है। यह रिसाइकल बीन विंडोज़ 95 के बाद सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन्स में उपलब्ध है। आइए इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। दोस्तों, रिसाइकल बीन का आइकन जनरली हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर मिल जाता है। आप यहाँ हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसाइकल बीन का यह आइकॉन आपको दिखाई देगा। अभी यह रिसाइकल बीन एम्प्टी है, खाली है, लेकिन जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर्स डिलीट करेंगे तो उसके बाद ये आपको भरा हुआ दिखाई देगा। जैसे मेरे पास ये एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर एक फोल्डर भी है। अब मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहता हूँ तो किसी भी फाइल फोल्डर को कंप्यूटर से डिलीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में आप जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हुए आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने पावर पॉइंट के आइकन को डिलीट किया वो रिसाइकल बीन के अंदर चला गया। अब आप देख पा रहे होंगे रिसाइकल बीन का जो आइकन है वो अब मुझे भरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये एक फोल्डर है, यदि हम फोल्डर को भी डिलीट करना चाहते हैं तो हम फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस किया था, सेकंड मेथड में हम इस फोल्डर पर राइट बटन क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करने के बाद लास्ट से थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट। यहाँ से भी आप आइटम को डिलीट कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल आइटम्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हुए आप उन आइटम्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। मैंने ये तीन आइकन्स यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर लिए हैं और तीनों को मैं एक साथ कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हुए डिलीट कर सकता हूँ। अब ये सारे आइटम हमारे रिसाइकल बीन में चले गए हैं, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपने जो आइटम्स डिलीट किए हैं उनमें से कुछ आइटम्स हमारे काम के थे, उपयोगी थे, और गलती से वो बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो चुके हैं तो उन्हें हम रिसाइकल बीन में जाते हुए फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जब भी हम कोई आइटम डिलीट करते हैं तो विंडोज़ हमें कोई भी कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले नहीं करता, जबकि विंडोज़ के पुराने वर्जन्स में कोई भी आइटम डिलीट करते समय एक कंफर्मेशन मैसेज हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होता था और हम यस करते थे तो ही वो आइटम डिलीट होता था। और विंडोज़ के नए वर्जन में आइटम सब डायरेक्टली डिलीट हो जाते हैं बिना किसी कंफर्मेशन मैसेज के। यदि आप चाहते हैं कि आइटम डिलीट करते समय आपके सामने कंफर्मेशन मैसेज आ जाए तो उसके लिए आपको रिसाइकल बीन के इस आइकन पर राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ आपको दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़।
लास्ट में प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में लास्ट ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग, आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और जैसे आप ओके करेंगे और उसके बाद फिर किसी आइटम को आप डिलीट करेंगे तो अब आपकी स्क्रीन पर कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपसे विंडोज पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकल बिन, अगर आप इसे यस करेंगे तो ये आइटम यहाँ से डिलीट होते हुए रिसाइकल बिन में चला जाएगा और अदरवाइज बाय मिस्टेक आपसे ऐसा हो रहा है तो आप इसे नो भी कर सकते हैं। अभी मैं इसे यस कर देता हूँ। अब हमारे सभी आइटम्स जिन्हें मैंने डिलीट किया था वो रिसाइकल बिन में चले गए हैं। अब उनमें से कुछ आइटम्स हम फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिसाइकल बिन को ओपन करना होगा और ओपन करने के लिए हमें रिसाइकल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ आप देख रहे हैं जो जो आइटम थे वो सभी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो मैंने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिए थे। अब इनमें से कुछ आइटम्स मुझे फिर से रिस्टोर करने हैं तो जिन आइटम्स को हम रिस्टोर करना चाहते हैं उन्हें आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर की तरफ आपको रिसाइकल बिन टूल्स दिखाई देंगे। उन टूल्स में लास्ट ऑप्शन दिया गया है रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम्स, जिन आइटम्स को आप सेलेक्ट करेंगे उन्हें विंडोज फिर से रिस्टोर कर देगा। तो यहाँ से हम एक आइटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो शॉर्टकट था मैं फिर से रिस्टोर करना चाहता हूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया और रिस्टोर द सेलेक्टेड आइटम ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। ऐसा करने पर वो आइटम फिर से अपनी लोकेशन पर जाकर सेट हो चुका है। और यदि आप एक से ज़्यादा आइटम्स को एक साथ रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा रिस्टोर ऑल आइटम्स। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारे आइटम्स एक साथ रिस्टोर हो जाएंगे। अब फिर से आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू रिस्टोर ऑल द आइटम्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन, आप इसे यस कर लीजिएगा तो सारे के सारे आइटम हमारे फिर से डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। दोस्तों इसी तरह से यदि आप किसी आइटम को डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद आप बिना रिसाइकल बिन को ओपन किए रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना चाहते हैं, खाली करना चाहते हैं, तो आप रिसाइकल बिन पर राइट बटन क्लिक कीजिए और आपको ऊपर से दूसरा ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी रिसाइकल बिन। इट मीन्स रिसाइकल बिन में जो भी आइटम रखे हुए हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे और एक बार जब रिसाइकल बिन में रखे हुए आइटम्स को आप डिलीट करेंगे वो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे। तो एम्प्टी रिसाइकल बिन पर क्लिक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई ज़रूरी आइटम डिलीट ना हो जाए। तो दोस्तों जब भी कोई आइटम आप रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं तो वो आइटम परमानेंटली डिलीट हो जाता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल जब हम डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में जाए नहीं और बिना रिसाइकल बिन में जाए हुए वो हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाए, उसके लिए हमें एक शॉर्टकट यूज़ करना होता है शिफ्ट और डिलीट। जैसे आप शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं वो फाइल और फोल्डर आपके सिस्टम से परमानेंटली रिमूव हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और यदि आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप अपने सिस्टम से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करें वो ऑटोमेटिकली बिना रिसाइकल बिन में जाए हुए सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाए तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। आप रिसाइकल बिन के आइकन पर राइट बटन क्लिक कीजिएगा, प्रॉपर्टीज आएंगी, प्रॉपर्टीज के अंदर फिर से हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डोंट मूव फाइल्स टू रिसाइकल बिन, रिमूव फाइल्स इमिडिएटली व्हेन डिलीटेड। जैसे ही हम कोई फाइल डिलीट करेंगे वो इमिडिएटली डिलीट हो जाएंगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी। लेकिन इस ऑप्शन को बहुत सावधानी से हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि कई बार गलती से हमारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने पर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी, डायरेक्टली हमारे सिस्टम से डिलीट हो जाएंगी। अब दोस्तों आपने प्रॉपर्टीज़ में देखा होगा कि यहाँ कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जितनी भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनकी साइज़ दी गई है और उनकी साइज़ के साथ साथ ये भी बताया गया है कि रिसाइकल बिन के लिए कितनी साइज़ को रिजर्व रखा गया है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रिसाइकल बिन का आइकन हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें रिसाइकल बिन के आइकन को हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर किस तरह से लेकर आना है आइए वो भी सीख लेते हैं। इसके लिए आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट बटन क्लिक करना है और लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइज। इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थीम्स ऑप्शन में जाना है। थीम्स में साइड में आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। आइकन सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर जिन जिन डेस्कटॉप आइकन्स को हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं उन्हें हमें टिक करना होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रिसाइकल बिन वाला जो आइकन है उसके आगे हमने टिक कर रखा है। यदि यहाँ से ये टिक नहीं होता तो हमें अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर रिसाइकल बिन का आइकन दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा रिसाइकल बिन के बारे में। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।